अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रुप से देखते हैं कि जी हमारे पास अगर ग्रुप है तो इसका सेंटर जो होगा उसको हम किसे शो करते हैं, जी ऑफ जी जी से शो करते हैं, इसका मतलब होगा सेंटर ऑफ जी। एंड इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह जी के वो एलिमेंट होंगे जो कि हमारे पास जी के ही हर एलिमेंट के साथ। पहले हमने नॉर्मलाइजर पढ़ा, उसमें जो जी था वो किसी अपने सबसेट से कंप्यूट करता था। उसके बाद हमने सेंट्रलाइजर पढ़ा, सेंट्रलाइजर में क्या था कि हमारे पास जो जी था वो हमारे पास क्या था, अपने सब उसका जी का हम जो सब सेट लेते थे ना कोई, उसके हर एलिमेंट के साथ क्या करता था, कम्यूट करता था। अब जो हमने सेंटर ऑफ ग्रुप लिया इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो जी का वो एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप में शामिल होगा जो कि जी के तमाम एलिमेंट्स ये क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हमें कोई भी सबसेट उसका जी का नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हम जी के एलिमेंट को ही जी के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो जो एलिमेंट सबसे कम्यूट कर जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप में शामिल हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रुप जी कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब इसमें जी के ही एलिमेंट्स होंगे विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, विच एलिमेंट ऑफ जी, इसमें जी के वो एलिमेंट शामिल होंगे जो जी के ही हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। अब इसका रिमार्क भी देख लें कि हमें पता है कि जो सेंट्रलाइजर है, नॉर्मलाइजर थे, वो एम्प्टी कभी भी नहीं होते। तो ये जो हमारे पास है सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंटर ऑफ जी, वो भी कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। क्यों, इसकी रीज़न क्या होगी, क्योंकि हमारे पास जो ई होगा वो किससे बिलोंग करता है, हमेशा जी से, क्योंकि जी ग्रुप है तो ग्रुप में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करती है, मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो हम ई ऑफ जी इज इक्वल भी क्या कर लिख सकते हैं, जी ऑफ ई, क्योंकि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है कि वो हर एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट कर जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो इसके साथ भी कम्यूट करेगा, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब क्या है, वो इससे कम्यूट कर गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो ई है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप से बिलोंग कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रुप कभी भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी नहीं होगा। ओके, अब देखें कि हमारे पास रिमार्क क्या है, कि हमने पहले पढ़ा था कि जो नॉर्मलाइजर होता है एच का इन जी वो क्या होता है, सब ग्रुप किसका होता है, ग्रुप का। इसी तरह सेंट्रलाइजर जो था वो भी क्या था, ग्रुप का, सब ग्रुप था जी का। लेकिन जो हमारे पास सेंटर है ना किसी ग्रुप का, वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है, किसका, ग्रुप का, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका होने का क्या मतलब है कि हम इसकी मदद से क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप में हमारे पास जो हम नीचे जी ओवर ई मसलन है, तो ये ई वाला उसका क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो अब ये जी, ये इसका नॉर्मल, तो हम इसे क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन ग्रुप भी बना सकते हैं। ओके, अब इसका दूसरा रिमार्क ये देखें कि हमारे पास जो है, अगर इफ़ जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप, अगर जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है तो उस सूरत में उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर उस सूरत में पूरे का पूरा क्या होगा, हमारे पास ग्रुप होगा, क्योंकि अबिलियन ग्रुप है तो उसमें हर एलिमेंट दूसरे के साथ क्या कर जाएगा, कम्यूट कर जाएगा। तो मसलन अगर मेरे पास है ग्रुप वी फोर इज इक्वल टू जी, इसके एलिमेंट मेरे पास आ रहे हैं वन ए बी एंड ए बी। अब मुझे ये नहीं पता ये हमारे पास इसका सेंटर क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये ग्रुप क्या है हमारे पास, है ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। अब अबिलियन ग्रुप है तो मैं लिख सकता हूँ कि इस ग्रुप का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ वी फोर इज इक्वल टू क्या होगा, पूरे का पूरा
V4 ही होगा, क्योंकि ग्रुप हमारे पास क्या आ रहा है, अबेलियन ग्रुप आ रहे हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल होगी। इसी तरह अगर मैं लूँ ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर मैं लेता हूँ Z ऑफ 6, और इसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास अगर मैं लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके अंदर ये 6 एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है तो इसका सेंटर क्या हम कह सकते हैं कि कितना होगा, सेंटर ऑफ Z6 विल बी Z6, क्योंकि ये ग्रुप अबेलियन है तो इसका सेंटर पूरे का पूरा ये ग्रुप ही आ जाएगा। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये देखें कि एवरी, हमें पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हर जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक होता है। और जो हर साइक्लिक ग्रुप है वो हमारे पास क्या होता है, अबिलियन होता है। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है हमारे पास, अबिलियन होता है। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, अभी हमने पढ़ा है कि हर अबिलियन ग्रुप है वो हमारे पास उसका सेंटर पूरे का पूरा क्या होगा, ग्रुप होता है। तो जो भी इस तरह का साइक्लिक ग्रुप आएगा उसका मतलब, अगर जी ऑफ जी, अगर जी हमारे पास साइक्लिक है तो इसका सेंटर पूरे का पूरा वो जी ग्रुप हो जाएगा। मतलब साइक्लिक ग्रुप का भी सेंटर पूरे का पूरा ग्रुप होगा। ओके, अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है लेकिन उसका आर्डर प्राइम नहीं है तो भी उसका सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा वो ग्रुप हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास Z6 है और Z8 है, इनके आर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, आर्डर नॉट प्राइम। अगर इनके आर्डर प्राइम नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक जो होता है वो अबिलियन होता है, और जो अबिलियन होगा उसका सेंटर पूरे का पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, Z6 आ जाएगा, और सेंटर ऑफ Z8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z8 आ जाएगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये हमने एक ग्रुप लिया जिसका आर्डर हमारे पास कितना है, 8 है। तो इसका हमने फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ इस ग्रुप का सेंटर क्या होगा। इस ग्रुप को हम Q8 का नाम देते हैं। अब इसका सेंटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेंटर की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, इज इक्वल टू जी बिलोंग्स टू जी, जी के वो एलिमेंट्स होंगे सच दैट के एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। इसमें वो एलिमेंट आएंगे ग्रुप के जो, अगर मैं मसलन 1 लेता हूँ तो 1 अगर इन 8ों के साथ ही कम्यूट करता है तो वो इस ग्रुप में शामिल होगा। मसलन 1.1 इज इक्वल टू 1, 1.-1 इज इक्वल टू -1, और ये 1.1 के इक्वल है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, -1.1, ये भी मतलब हमारे पास जो 1 है वो हर एक से क्या करेगा, कम्यूट कर जाएगा। जैसे 1.iota इज इक्वल टू iota, और ये हम लिख सकते हैं iota.1 के। इसी तरह 1.-iota इज इक्वल टू -iota.1। ये 1 और जो -1 है ये हमारे पास क्या होंगे, हर एक के साथ क्या कर जाएंगे, कम्यूट कर जाएंगे। मतलब लेफ्ट और राइट का जवाब दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन हमारे पास जो आयोटा है वो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कभी भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये ग्रुप है इसका हमारे पास जो सेंटर है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ आएगा +1 और -1। तो ये इस ग्रुप का क्या होगा, सेंटर होगा। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास सी ऑफ जी है ना, कि किसी ग्रुप का सेंटर वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप किसका होता है, ग्रुप का, ये हम प्रूव करते हैं।
हमें सेंटर ऑफ जी को प्रूव करना है कि ये क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए सारा हमने सिर्फ क्राइटेरिया लगाया। इसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या था कि हमारे पास कोई जो ग्रुप है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंग टू सेट एच, कि अगर हमारे पास जी एच जी इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग कर जाए, एच से, अगर ये एच से बिलोंग कर गया तो इसके लिए हम इसको सब ग्रुप लेते हैं। सब ग्रुप लेके हम सब ग्रुप क्राइटेरिया की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। और ये क्राइटेरिया कि अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल, ये हमारे पास एच की इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जी एच जी इनवर्स वो एच के इक्वल आ गई, तो इस एच से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा।